लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला होने जा रहा है। लखनऊ के लिए करो या मरो की हालत है दोस्तों। लखनऊ से हम सभी आ चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स को सपोर्ट करने के लिए। बड़ा मैच होने जा रहा है। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स यहाँ पर अच्छा खेल दे तो फिर यहाँ पर आगे बढ़ने के चांसेस हैं, वरना यहीं से सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। सुपर जायंट एलएसजी ब्रिगेड की तरफ से मैं हूँ और डीसी टोली की तरफ से हैं विभू भाई। और विभू भाई को मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत बड़े क्रिएटर हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी भाई आपका ये बताइए कि ये भाई चेहरा क्रिकेट खेल के बारे में संदेश दीजिए। बहुत सारे लोग इस टीम को सपोर्ट करते हैं, इस टीम को सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको देखा आपको सुना कि आप टीम को नहीं आप खेल को सपोर्ट करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग टीम को सपोर्ट करेंगे निकलते हैं। मैंने देखो अपने दिल पे दिल्ली लिखा है तो जाहिर सी बात है मैं निकला दिल्ली को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जैसे अब दिल्ली अगर बाहर हो गई तो ये मतलब नहीं है कि मैं उदास हो गया कि चलो मैं खेल ही छोड़ दूंगा। नहीं, कहीं ना कहीं मैं खेल को इंपॉर्टेंस देता हूँ कि खेल सबसे बड़ा होता है, खेल में मजा आना चाहिए। जीत हार के रिजल्ट है उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं। तो इसलिए खिलाड़ी पे मेरे को बहुत रहता है कि खेल अच्छा मिलना चाहिए। अच्छा भाई ये लखनऊ सुपर जायंट का आप मैच देखते हैं? यार भाई मैं सारे मैच देखता हूं, आईपीएल में सारे मैच। एलएससी का आपका कौन सा प्लेयर आपको अच्छा लगता है? मार्कस टोनिस। मार्कस टोनिस अच्छा लगता है। हमारे कप्तान केएल राहुल तो यार कैप्टन तो ऑब्वियस सी बात है, वो टीम पूरा लेके जा रहे हैं। केएल राहुल बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ जो अगर आप मेरा मेरे को क्या पावर हिटर पसंद है, आईपीएल में पावर हिटिंग वाली बात है, वो तो मार्कस टोनिस मारता बहुत है। टोनिस मेरे को इसलिए बहुत पसंद है। अच्छा सही है। वैसे अदिल है कैप्टन की तरह से फ्रेजर होंगे फिर आपको लगा? फ्रेजर ने तो भाई ये साल ऐसा टावर तोड़ सीधा छठे गियर पे बैटिंग करता है वो बंदा सीधा, तो आनंद। और सबसे बड़ी बात ओपनिंग करने के लिए आता, पावर प्ले में बैटिंग करता है। टीम को बढ़िया शुरुआत दिया हमेशा जेक फ्रेजर। ठीक है। और ऐसा ये आज का आज कौन परफॉर्मेंस आपके हिसाब से अच्छा करने वाला है मैच में दिल्ली कैपिटल की तरफ? देखो मुझे ऐसा लगता है कि टॉस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर मैं पूरी ओवरऑल टीम की बात करता हूँ, प्लेयर तो देखो लास्ट मैच था हमारा, जेक फॉर्म में है लेकिन रन आउट हो गया, बहुत बुरा, वो तो किस्मत है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो स्टब्स है वो भी रन आउट हो गया, वो भी किस्मत है। तो प्लेयर्स का मैं नहीं बता सकते कि प्लेयर्स कौन अच्छा करेगा, लेकिन हाँ टॉस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। टॉस जीतना बहुत जरूरी है, टॉस जीतना बहुत जरूरी है। जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा आपके साथ, 90% मैच हाथ में आ जाएगा, क्योंकि बाद में फिर ड्यू का खेल है। अच्छा मैं आपसे बात करूँ खेल सड़क के भाईचारा के बारे में बोलिए, लखनऊ और दिल्ली के भाईचारा के बारे में बोलिए, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट टीम पहले नहीं थी तो सारे लोग दिल्ली कैपिटल को सपोर्ट करते थे, आज टीम बन गई है लखनऊ सुपर जायंट की, थोड़ा नई टीम हो गई है तो लखनऊ वाले अपना सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं भाईचारा दिल्ली और लखनऊ का भाईचारा हमेशा रहेगा, क्योंकि पड़ोसी है भाई ये समझ लो, दिल्ली माए तो यूपी मौसी हो गई ना। हाँ भाई भाई का मैच हो रहा है, देखो बहुत दिल्ली का प्यार और लखनऊ, दिल्ली लखनऊ का मैच होता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे लगता है दो भाई खेल रहे हैं, क्योंकि फिर क्या भाई से ऊपर खेल आ गया ना, दोनों खेल खेल रहे तो हम खेल को सपोर्ट करते हैं। चलिए ठीक है, विभू भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और कुछ आप सपोर्ट लखनऊ के बारे में कुछ बोलना, लखनऊ के लोगों को आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? आपको भी बहुत सारे लोग आपकी वीडियो देखते हैं, उनको अपना मैसेज दे सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इसी तरह खेल को एंजॉय करते रहे और अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते रहे, चाहे वो अच्छा परफॉर्म करें या ना करें, खिलाड़ी हमेशा आपके साथ रहना चाहिए और आप खिलाड़ी के। बस भाई खेल में इतना ही प्यार होना चाहिए। विभू भाई हैं डीसी टोली की तरफ से, एलएसजी ब्रिगेड सारे लोग इनको घेर लिए हैं। देखो खेल एक प्यार की भाषा है भाई, और देखो डीसी टोली को रिप्रेजेंट करते हैं विभू भाई, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट जितने लोग सारे लोग यहाँ पर साथ में सेल्फी ले, और यहाँ पर हर एक व्यक्ति यहाँ पर विभू भाई के साथ फोटो लेना चाहता है। दिल्ली रे तू रोल मचा, की बारी है सुपर जायंट, तीस के बारह छक्का क्या दिल्ली, जैसा भी हो सीन लगी पड़ी है लंका। Thank you for your tehzeeb. Thank you for coming here today. This is what fan communities and this is what the culture of IPL should be. Two neighboring teams, healthy life rivalry, driven by passion, but we come together for the greater good of spreading positive fan culture in this country.
दोस्तों फैन तो हर तरह के होते हैं, कोई मूवी का फैन होता है तो कोई क्रिकेट का फैन होता है, फैन तरह के होते हैं, लेकिन जो क्रिकेट के फैन होते हैं इनके अंदर पागलपन बहुत तरह का होता है। ये भाई साहब आए, आपका क्या नाम है? मुनीस राठौर। मुनीस राठौर, अभी केएल राहुल से पर्सनली जाकर कहाँ मिले थे? ताज होटल में। ताज होटल में मिलकर भी आए हैं। और कहाँ के रहने वाले हो भाई? शाहजहांपुर। ये उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर एक जिला पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं और केएल राहुल से मिले थे। क्या केएल राहुल से मिलने के बाद आपको कैसा लगा, कैसे फील कर रहे थे? बहुत बढ़िया लगा, हमने तो ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मुलाकात हमारी हो जाएगी। अभी 3 साल हुए हैं उनसे जुड़े हुए। 3 साल से लखनऊ सुपर जायंट को सपोर्ट कर रहे हैं, 3 साल लखनऊ सुपर जायंट टीम बने हुआ है, केएल राहुल से मिले हुए, क्या बात हुई आपसे, क्या पूछे जैसे मिले थे केएल राहुल जी? यही मिले थे तो हमने ये पूछा, हम इतनी दूर से आते हैं तो हमारा खर्चा वर्चा जो टिकट है और आने जाने का, तो उन्होंने कहा ठीक, हम सारी व्यवस्था करते हैं, टिकट उन्होंने देना चालू कर दिया है, अपनी तरफ से टिकट देते हैं। केएल राहुल ने खुद सपोर्ट करने लगे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात। किसी भी खिलाड़ी के फेवरेट फैन होते हैं तो उनको भाई खिलाड़ी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, इनको भी केएल राहुल ने सपोर्ट करने के लिए बोला है। आपसे और क्या बात है कि आपसे और क्या पूछा? यही पूछा, लुक तुम्हारा बढ़िया लगता है, और मैंने कहा पब्लिक के बीच में जाता हूं। और भाई मैं तो हैदराबाद जाने के बाद दंग रह गया, वहां पर जाके देखा कि केएल राहुल के बहुत ज्यादा फैन है, क्योंकि केएल राहुल बेंगलुरु से आते हैं और दक्षिण भारत से आते हैं, तो वहां पर मैं हैदराबाद गया था, केएल राहुल को बहुत ज्यादा मोस्टली लोग सपोर्ट कर रहे थे। क्या इसके बाद मुंबई भी जाने वाले हो? हां, मुंबई का भी प्लान है हमारा, मतलब जहां जहां केएल राहुल का मैच होगा वहां वहां तुम जाने वाले हो। भाई केएल राहुल के जबरे फैन है भाई, केएल राहुल के लिए भाई एक लाइक कर दीजिए, हमारा इंस्टाग्राम पेज है पंकज गांव वाला, आप इसको भी फॉलो कर लीजिए। दोस्तों अभी हम सब एंट्री करने के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ भाई हमारे गांव के हमारे भाई सुधीर भाई आए हैं साथ में, और भाई ये विवेक भाई भी आए हुए, संदीप भाई, और साथ में ये शिवाजी, और साथ में ये संदीप के साथ हमारे और राग भाई भी आज एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, पूरा फुल्ली एंजॉय एक दिन टाइम निकाल कर। तो आज लखनऊ सुपर जायंट को जिताना है भाई, हम सभी अब एंटर करने वाले इधर गेट नंबर 18 से। स्टेडियम तो भाई अंदर बहुत अच्छा है, शिवा पूरा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था पूरी यहाँ पर। ये दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट को जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी 111 रन हो चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर, 11 ओवर हो चुका है, अभी 2 ही विकेट गिरे हुए। अभिषेक कोरल बहुत मार रहा है यार, 32 गेंदों में 58 रन बनाकर खेल रहा है, और अभी यहाँ पर 7 बैटिंग कर रहा है ऋषभ पंत, और ये तो फ्रेजर आउट हो गए थे 0 रन पर ही, नहीं स्कोर पता नहीं कहाँ होता। यह है कि 170 रन के आसपास रोकना होगा दिल्ली कैपिटल को, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट यहाँ पर जीत के बाद मुंबई इंडियंस को भी हराना है, 2 मैच लगातार जीतना है भाई अभी ये। वैसे अरुण जेटली स्टेडियम भाई है बहुत शानदार है, छोटा स्टेडियम लेकिन सजाया बहुत अच्छा गया है, और साथ में यहाँ पर आज हमारे चाचा के लड़के भाई अनुराग जी भी मैच देखने के लिए आए हैं, सुधीर जी भी हमारे गांव के एंटरटेनमेंट कर। बहुत तगड़ा कैच लिए भाई निकोलस पूरन भाई, अभी देखो पानी पी रहे हैं, सब बुलाते हैं ये। मेरे सामने स्टैंड दिख रहा है गौतम गंभीर स्टैंड, और ये दिल्ली में है ये स्टैंड बना हुआ है, और गौतम गंभीर इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच, क्यों ना गौतम गंभीर को भारतीय टीम के लिए कोच के रूप में सेलेक्ट किया जाए, आपका क्या राय है? और जिस तरह से टीम पहले लखनऊ सुपर जायंट में कोच थे इसके कुछ दिन पहले, लेकिन इस बार से कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच हैं, तो मैं तो यही चाहता हूं कि भाई गौतम गंभीर ही भारत के नए कोच हो। T20 वर्ल्ड कप के बाद वैसे भी कोच चेंज होने वाले हैं राहुल द्रविड़। एक छोटा सा स्टेडियम है, देख रहे हैं अरुण जेटली स्टेडियम, छोटा स्टेडियम काफी खूबसूरत स्टेडियम है। जेटली स्टेडियम में एक ये भी है विराट कोहली पवेलियन, और उधर सामने देख रहे हैं ये मोहिंदर अमरनाथ, 1983 का वर्ल्ड कप है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट उसमें हुए थे। मिर्ची कोला लाली पॉप। डीसी ने पहले बल्लेबाजी की और 208 रन बनाए, लखनऊ सुपर जायंट जीतने के लिए 209 रन बनाना है, कहीं ज्यादा टारगेट है नहीं जिस हिसाब से देखा, लेकिन बैटिंग अब से एक पोरल ओपन गेम। अरे यार आया भाई कैमरामैन, हेलो कैमरामैन, और आवाज दो, अभी तुम्हारी आवाज जा नहीं रही वहां तक। हेलो कैमरामैन, आई एम बनी फ्रॉम चेन्नई। कौन जीतेगा? एल्लापेड़ी अन्ना स्वामी, भाई बहुत हालत खराब हो गई लखनऊ सुपर जायंट की, 105 रन पे ही 6 विकेट गए भाई, हमारी सारी उम्मीदें टूट गई, हम तो सोचा था यार लखनऊ सुपर जायंट जी। भाई दादाजी मैच देखने के लिए आए हैं, जो देखो भाई दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अच्छा लगा देखकर। अब तो भाई दादाजी हमारे पास आ गए हैं, दादाजी आपका नाम क्या है वैसे? रमेश कुमार। ये तो क्रिकेट के कितने बड़े शौकीन हैं आप? क्रिकेट के मैं बूढ़ा हो गया देखता देखता, और
आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? विराट कोहली। विराट कोहली आपका पसंदीदा खिलाड़ी? वाह भाई वाह, युवाओं के प्रेरणा स्रोत है भाई विराट कोहली, इतने उम्र में भाई दादाजी विराट कोहली के फैन है भाई। बहुत अच्छा लगा यार ये जानकर। दादाजी वैसे बताइए कि आपका, आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? मेरी 66 रनिंग हो रही है। 66 साल के दादाजी हैं लेकिन स्टेडियम में मैच देखने के लिए आए हैं। कैसा लगा आपको आज मैच देखकर? मैं बहुत खुशी हुई, यूथ बच्चे ज़्यादा मिले, शोर करने वाले मिले। आज मुझे 6 साल हो गए रिटायर हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ऐसा लगता है मैं अपने परिवार में बैठा हूँ। किस पोस्ट पे काम करते थे दादाजी? मैं एज ए केयर टेकर होता था। अच्छा अच्छा, ये अच्छा लगा जानकर भाई दादाजी यहाँ पर। अब मैं तो भाई दादाजी का फैन हो गया, किसान आदमी है, वेशभूषा देख कर लग रहा है भाई सोनीपत से मैच देखने के लिए आए हैं। और दिल्ली कैपिटल लखनऊ सुपर जायंट का मैच हो रहा है, दिल्ली का स्टेडियम है और जेटली स्टेडियम। क्रिकेट को आप एंजॉय कर रहे हो पूरा? हाँ पूरा एंजॉय। चलो यार ये देख के बहुत अच्छा लगा था। हर मैच देखता हूँ। हर मैच देखते हो? सारा मैच देखते हैं दादाजी भाई। 66 साल की उम्र है, विराट कोहली के फैन है। तो जो भाई विराट कोहली के फैन है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, दबा के शेयर कर दो। लखनऊ में केएल राहुल को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा दादाजी, केएल राहुल को भी बहुत ज्यादा चाहते हैं। खुश रहने का, एंटरटेनमेंट होने का कोई उम्र नहीं होता है, किसी भी उम्र में आप एंजॉय कर सकते हो। दादाजी यहाँ पर आए, युवाओं के बीच में बैठकर 66 साल की उम्र में यहाँ पर मैच देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो भाई खुश रहो, एंजॉय करो, जिंदगी जियो, ऐश करो, ऐसे जिंदगी आगे बढ़ाते रहो यार। एंटरटेनमेंट करने का, एंजॉय करने का कोई उम्र नहीं होता है, दादाजी से आपको सीखना चाहिए। गाँव का पंचायत मेंबर हूँ। अच्छा अच्छा, पंचायत मेंबर भी आप हैं? ये तो चीज मेरे जानकर बहुत अच्छा लगा। केवल यार स्टोनिस 2-3 ओवर खड़ा हो जाता बस, केवल मैच इधर उधर उधर हो जाता, लेकिन स्टोनिस भाई आज बल्ला नहीं चला, केएल राहुल का बल्ला नहीं चला यार। स्टोनिस के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, कल 3 ओवर खड़ा हो जाता स्टोनिस तो फिर भाई मैच और पास हो जाता। लखनऊ सुपर जायंट की उम्मीदें खत्म हो गई यार। लखनऊ सुपर जायंट इस मैच को 19 रन से हार गया, 89 रन ही बना पाई। लखनऊ सुपर जायंट के साथ निकोलस पूरम के अलावा और बॉलर भाई अरशद खान काफी अच्छी बैटिंग की यार, लेकिन इतना स्कोर लेकर करीब ले गए। अगर अरशद इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करता तो हार का अंतराल बहुत ज्यादा होता। लखनऊ सुपर जायंट पहली बार है कि भाई प्ले ऑफ से बाहर हो गई है, अब पूरा मजा खत्म। 18 साल के मुंबई इंडियंस के साथ अगर वहाँ जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब प्ले ऑफ से बाहर हो गई है। 2022-2023 में लखनऊ सुपर जायंट ने प्ले ऑफ खेला था और उसके बाद फाइनल नहीं पहुंच पाई थी, वो अलग बात है, लेकिन ये टीम है सामने, सारे प्लेयर यहीं पर खड़े हुए हैं दोस्तों। अब क्या किया जाए, खेला होता रहता है, हार जीत लगा रहता है।